दोस्तों, जो मैं कहने वाला हूँ वो बहुत शॉकिंग बात है, लेकिन बात बिल्कुल सही है। औरों में कहाँ दम था, इस फिल्म का वाकई में मटिया पलीद हो गई है। तीसरे दिन की ऑडियंस ऑक्यूपेंसी कलेक्शन एस्टिमेट्स बताने वाला हूँ, और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऑडियंस ने इस फिल्म को पूरी तरह से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे, सैटरडे और संडे आज छुट्टी का दिन था, और आज के दिन भी पब्लिक का जो रिस्पॉन्स था उस उम्मीद पर नहीं पहुँचा जिस उम्मीद की मैं सोच रहा था, जिस उम्मीद की मैं ख्वाहिश रख रहा था, वैसा कुछ नहीं हुआ है। मॉर्निंग शो ऑक्यूपेंसी जहाँ 3% तक थी, माफ करना थी नहीं, मॉर्निंग शो ऑक्यूपेंसी जहाँ 7% तक थी, आफ्टरनून शो ऑक्यूपेंसी 9%, इवनिंग शो लगभग 12% और नाइट शो की ऑक्यूपेंसी भी सिमिलर 12% के आसपास रही। बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं पड़ी, संडे को वैसे भी ऑक्यूपेंसी कम होती है रात की। एक एवरेज ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 10 से 11% की ऑक्यूपेंसी है, जो फर्स्ट डे की ऑक्यूपेंसी 8 से 9% से ज़्यादा दूर नहीं है। यानी कि फिल्म को सेकेंड डे से थर्ड डे में जो इजाफा मिला होगा वो 10% से ज़्यादा नहीं मिला होगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद आप करिएगा भी नहीं। यानी कि फर्स्ट डे का एक कलेक्शन जो मैंने आपको बताया था 1.80 करोड़, सेकेंड डे 1.90 करोड़, और यानी टोटल 3.70 करोड़ दो दिन का हुआ था। तीसरे दिन 2 से 2.5 करोड़ तक का कलेक्शन ये फिल्म करते हुए नजर आ रही है, और 2 से 2.5 करोड़ तक ऐसा कलेक्शन की अगर बात करें टोटल, तो उसके साथ टोटल हो जाएगा इस फिल्म का 5.70 करोड़ से 6.20 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ 70 लाख से 6 करोड़ 20 लाख। यानी कि बहुत ही कड़वे शब्दों में मुझे कहना पड़ रहा है कि मंडे से कलेक्शन और बुरी तरह गिरेगा, और ये फिल्म 10 करोड़ भी कर ले यहाँ से तो बड़ी बात हो जाएगी। दिस इज सच ए बैड रिस्पॉन्स फॉर अजय देवगन फिल्म। दिस इज वन ऑफ द लोवेस्ट फर्स्ट डे स्कोर, दिस इज नॉट द लोवेस्ट फर्स्ट डे स्कोर, बट इट मे बी द लोवेस्ट लाइफ टाइम कलेक्शन फॉर एनी अजय देवगन फिल्म इन लास्ट 20 ईयर्स। दिस इज सो बैड, और ये अपने आप में बहुत शॉकिंग बात है। फिल्म बुरी है? नहीं, फिल्म बुरी नहीं है, लेकिन आज की जो जनता है, यूथ जो है, वो फिल्म को बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसको पूरी तरह से फिल्म को बैशेस मिल रही है, यानी कि यहाँ वहाँ से लोग इसको टारगेट कर रहे हैं। अब फिल्म का क्या होगा ये कुछ कह नहीं जा सकता। कई बार फिल्म को वक्त लगता है बॉक्स ऑफिस पर संभालने में, अगर ये उस तरह की फिल्मों में से हुई तो शायद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे स्टेबल रहेगी। इसलिए मंडे का दिन बहुत कुशल होगा, जैसे होगा मैं आपको बताऊँ जो भी चीज़ें होगी। लेकिन फिलहाल अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें, फ्राइडे से कंपेयर करो संडे की ऑक्यूपेंसी में ज़्यादा फर्क नहीं है, कम से कम 15% तक का ग्रोथ है, उससे ज़्यादा नहीं है। चलिए फर्क इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।